36 घंटे की फास्टिंग में एक आस्था है कि हमें निर्जल व्रत लोग करते चले आ रहे हैं परंपरा अनुसार, तो उसका एक समाधान ये हो सकता है कि इस व्रत की शुरुआत हुए दिनों के पहले, मतलब जिस दिन से नहाए खाए की पूजा स्टार्ट होती है उसके एक दो दिन पहले से भी यदि महिलाएं अपने खाने में, अपने खान पान में, पूरे दिन में यदि तरल पदार्थों का उपयोग, जैसे कि आपका पतला मट्ठा हो गया, पतली दाल हो गई, पतली खिचड़ी हो गई, पतला दूध हो गया, नींबू की शिकंजी हो गई, आपके सब्जियों का सूप हो गया, इनका सेवन हर दो दो घंटे में करती रहें, तो शायद उस समय पे होने वाली पानी की कमी से थोड़े बहुत रूप में हम निजात पा सकते हैं। तो ये एक तरीका अपनाया जा सकता है। दूसरा, अगर वो ड्यूरिंग फास्ट, जो कि उनका 36 घंटे का फास्ट है, उस दौरान अगर वो अपने ओंठों को थोड़ा बहुत वाइप करते रहे या अपने जो सलाइवा का प्रोडक्शन है उस पे ध्यान दें, तो शायद उससे भी थोड़ा बहुत जो उनका शरीर में थकान या ग्लूकोज लेवल्स का नीचे आना है उससे वो थोड़ी बहुत हेल्प मिल सकती है। ये तो हो गया पानी की कमी जो इन 36 घंटों में हमें देखने को मिलेगी। दूसरी चीज जो हमारे एनर्जी लेवल्स हैं, जिसे हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज के लेवल, जो ब्लड के डाउन नहीं होने चाहिए, उसके लिए भी वो कोशिश करें कि अपने व्रत के पहले थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट, जैसे कि आपके खाने में खीर हो गई पतली, या जो लोग कहते भी हैं कि इस व्रत के दौरान शायद एक दिन वो लोग शाम में खीर का सेवन करते हैं, तो ये बड़ी अच्छी परंपरा है क्योंकि इसके द्वारा ग्लूकोज के लेवल, चावल अपने आप में एक स्टार्च है जिसके कारण कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज के लेवल आपकी बॉडी में इंस्टेंटली बढ़ेंगे और वो आपको कभी भी ग्लूकोज की कमी या चक्कर जैसी समस्याओं से समाधान देंगे। तो इस तरह की चीज़ों को अपनाना, फलों का रस एक दिन पहले पीना चीनी डाल के, ये सब उनके लेवल्स को, ग्लूकोज के लेवल्स को बिल्कुल ठीक रखने में हेल्प करेगा।